नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में बात करते हैं सिलेंडर्स के बारे में। कार के इंजन में जो सिलेंडर्स होते हैं, आखिर वो 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, 10 सिलेंडर या 2 सिलेंडर, इनका फर्क क्या है, ये क्यों अलग अलग सिलेंडर्स होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो भी कार रिव्यूअर्स वगैरह बताते हैं वो क्या कहते हैं कि इसमें 3 सिलेंडर इंजन है, ये थोड़ा कम रिफाइंड है, 4 सिलेंडर इंजन है थोड़ा ज्यादा रिफाइंड है, इससे ज्यादा नॉलेज आपको नहीं देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो आखिर फर्क क्या क्रिएट करते हैं रियल लाइफ में 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में, पावर के अलावा और क्या क्या फर्क होता है। यूजली आप अज्यूम करते हैं अच्छा 3 सिलेंडर है तो कम पावर होगी, 4 सिलेंडर तो ज्यादा पावर होगी, बस ये कुछ एक चीजें अज्यूम करते हैं, ज्यादा उस चीज में नहीं जा पाते क्योंकि यूजली कहीं इजीली ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू आपको बताता हूँ, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि पूरी मैकेनिक्स में घुसेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जितना आप जान सकते हैं आसानी से और जितना काफी होता है उतना इस वीडियो में बता देते हैं। पहले आप बता दें, इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली जो इंजन आ रहे हैं वो 4 सिलेंडर्स है, 4 सिलेंडर इंजन होते हैं। 3 सिलेंडर इंजन भी आते हैं छोटी कारों में, जैसे कि आप देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली जो 800 cc इंजन है वो 3 सिलेंडर वाले हैं। उसके बाद टियागो में जो इंजन आ रहा है वो 3 सिलेंडर का है, बीट में जो इंजन आ रहा था वो 3 सिलेंडर का है, उसके बाद में सिलेरियो डीजल जो इंजन था वो 3 सिलेंडर था, तो 3 सिलेंडर इंजन भी आ रहे हैं। उसके बाद इको स्पोर्ट इको बूस्ट इंजन है वो 3 सिलेंडर इंजन है, बूस्टर जेट है जो मारुति यूज कर रही है बलेनो आरएस के लिए वो 3 सिलेंडर है, तो 3 सिलेंडर इंजन भी यूज हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इंजन 4 सिलेंडर ही है। एक बड़ा डिफरेंस जो सब लोग बता देते हैं 3 और 4 सिलेंडर्स में, वो कह देते हैं कि 4 सिलेंडर रिफाइंड होता है, 3 सिलेंडर थोड़ा कम रिफाइंड होता है, थोड़ा वाइब्रेशन और नॉइज ज्यादा करता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। अब बात करते हैं कि रियल लाइफ में फर्क कहाँ डाल रहा है 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर। इस फर्क को जानने के लिए मैं पहले आपको बताता हूं कि आखिर 1 सिलेंडर वर्क कैसे करता है और ये 4 स्ट्रोक क्या होता है, ये टर्म आपने सुना होगा, तो 4 स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं। पहले एक ही सिलेंडर की बात करते हैं, 3-4 सिलेंडर पे नहीं जाते हैं, तो 1 सिलेंडर की वर्किंग समझिए, 4 स्ट्रोक सिलेंडर जो कि मोस्ट प्रोबेबली सारे इंजन जो है वो 4 स्ट्रोक है इंडिया में, और 4 स्ट्रोक सिलेंडर की वर्किंग देखिए। 4 स्ट्रोक का मतलब है पहला इनटेक, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा पावर और चौथा एग्जॉस्ट। तो ये कैसे काम कर रहा है एक इंजन पे, एक सिलेंडर पे फोकस कीजिए। एक सिलेंडर की 4 स्टेजेस है, पहली स्टेज में इनटेक होगा, इनटेक में क्या होगा, अंदर आएगी एयर और फ्यूल का मिक्सचर, ठीक है। दूसरी स्टेज में कंप्रेस होगा वो मिक्सचर, और तीसरी स्टेज में वो इग्नाइट होके पावर जनरेट करके नीचे पुश करेगा वापस पिस्टन को, और चौथी स्टेज में वापस एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरा बाहर निकल गया एग्जॉस्ट, जो जो भी जला हुआ था एयर फ्यूल मिक्सचर वो बाहर निकल गया। ये एक सिलेंडर का 4 स्ट्रोक्स है, ठीक है। इस पूरे 4 स्ट्रोक में एक ही बार पावर जनरेट हुई है, एक ही बार पावर जनरेट हुई है। अब इस पावर को मान लीजिए, एक एक इमेजिन कीजिए, एक एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। एक बॉक्सर है जो कि अपने सामने वाले बॉक्सर पे कंटिन्यूअसली वार करता है, जितनी ज्यादा वो पावर लगाएगा उतनी ज्यादा मार उसे पड़ेगी और उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस उस बॉक्सर का माना जाएगा, ठीक है। अब एक बॉक्सर एक ही हाथ यूज कर रहा है वो बॉक्सर, तो वो उसको टाइम लग रहा है, ठीक है, वो पावर दे रहा है और फिर वापस उसे थोड़ा गैप दे रहा है, ठीक है, वो टाइम मिल रहा है, वो फिर से पावर दे रहा है। तो अगर ऐसे ही एक इंजन काम करता जाए तो सोचिए कि वो कैसे पावर डिलीवर करेगा। आपकी गाड़ी में 1 सिलेंडर का इंजन लगा हो तो आपको पावर देगा फिर रुकेगा, पावर देगा फिर रुकेगा, पावर देगा फिर रुकेगा, ठीक है। तो मतलब आपको फील होगा कि क्या हो रहा है इंजन में, मतलब धीरे धीरे यूं यूं झटके खाकर की गाड़ी चल रही है, अनलेस वो काफी स्पीड पकड़ ले तब तक आपको झटके महसूस होते रहेंगे, आपको महसूस होता रहेगा कि पावर लूज हो रहा है फिर मिल रहा है, फिर लूज हो रहा है फिर मिल रहा है। इसी कारण से कार्स के इंजन में 3 से ज्यादा सिलेंडर यूज किए जाते हैं, कुछ कारों में 2 सिलेंडर इंजन भी आता है जैसे कि टाटा नैनो। अब बात अब मोस्ट प्रोबेबली कारों में 3 और 4 सिलेंडर ही आते हैं, उससे ऊपर ही आते हैं। तो अब देखते हैं कि 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में आखिर क्या डिफरेंस है। जब 1 सिलेंडर का तो मैंने आपको बता दिया पावर लूज होने का, आपको पता चलेगा कि पावर लूज हो रही है, तो ये 3 और 4 में क्या दिक्कत है। इस ग्राफ को देखिए, 3 सिलेंडर इंजन का एक ग्राफ है जहां पे आपको पावर ऑलमोस्ट जब एक बार मिल के पावर खत्म होती है उसके बाद थोड़ा सा गैप है, फिर पावर मिल के खत्म होती है थोड़ा सा गैप है, एक इंजन पूरा जो होता है वो उसके जितने भी सिलेंडर होते हैं वो एक शाफ्ट पे अटैच होते हैं, ठीक है, जो वो घूमती रहती है, तो हर एक इंजन एक पॉइंट पे ही आपको पावर दे पाता है। अब वापस बॉक्सर वाले एग्जांपल पे आइए, एक बॉक्सर के पास मान लो 2 सिलेंडर वाला इंजन, मान लो 2 हाथ है बॉक्सर के पास, ठीक है, वो मार रहा है, एक हाथ से तो बेटर है, उसे एक दूरी तक तो हाथ ले जाना है ताकि वो पूरी पावर दे सके, तो एक हाथ से तो वो मार रहा है अभी, तो ये जो टाइम है बीच का गैप जो सामने वाले बॉक्सर को मिल रहा है वो ज्यादा है, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तो 2 से मार रहा है तो वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, ठीक है, सामने वाले को कम टाइम मिल रहा है, गैप नहीं मिल रहा है उसको, कम मिल रहा है,
मान लो उसके तीन हाथ हो, वो और फटाफट मारे जा रहा है, तो उसकी जो बॉक्सर मार रहा है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब इसी के पास जब तीन हाथ है तो भी थोड़ा थोड़ा गैप मिल रहा है, सामने वाले को थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है। ये जो आप ग्राफ में बीच में गैप्स देख रहे हैं, ये गैप्स ऐसे हैं जहां पे पावर डिलीवर नहीं हो पा रही है। इसीलिए जब थ्री सिलेंडर इंजन को आप शहर में चलाते हैं तो आपको उसको बड़ा हार्ड रेव करना पड़ता है ताकि आपको पावर मिले, लेकिन हाईवे पे उनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको पता नहीं चलता ज्यादा थ्री सिलेंडर और फोर सिलेंडर में, क्योंकि हाईवे पे क्या होता है, गाड़ी तो इन मोशन है तो वो बीच का पावर गैप आपको ज्यादा फील होता नहीं है। आप देखिए 800 सीसी की आप जो मारुति है या एल्टो है, एल्टो को आप जब पिक करते हैं तो आपको उसको काफी एक्सेलेरेट करना पड़ता है, लो एंड टॉर्क कम होता है उसका, ठीक है। तो उसका कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आता है कि ये जो पावर का गैप होता है ये आपको फील होता है, उसको रेव करना पड़ता है ताकि पावर गैप कम हो, ये जो पावर का गैप है ये कम फील हो। अब जो मान लीजिए उस बॉक्सर के पास चार हाथ है तो वो बहुत ही कम मौका देगा सामने वाले को टाइम नहीं, एक हाथ से एक एक पावर जा रहा है तो दूसरा लग रहा है, उसके बाद तीसरा लग रहा है, उसके बाद चौथा लग रहा है, तब तक वो पहला वाला फिर से पावर पुश कर रहा है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस पावर का चलता रहता है। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है फोर सिलेंडर इंजन का, ठीक है। अभी फोर सिलेंडर इंजन में लगातार जैसे ही एक की पावर लूज हो रही है दूसरी की पावर आ रही है, जैसे दूसरी की लूज हो रही है वैसे तीसरे की आ रही है। तो बस ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। फोर स्ट्रोक इंजन, फोर सिलेंडर इंजन जो होते हैं वो रिफाइंड होते हैं, ज्यादा स्मूथ चलते हैं थ्री सिलेंडर इंजन के मुकाबले, लेकिन एक बार जब मोशन में आ जाए तो आपको ज्यादा फील नहीं हो पाता है। थ्री सिलेंडर इंजन भी आपको हाईवे पे ज्यादा फील नहीं देगा कि पावर कहीं लूज हो रही है क्या, आपको प्रैक्टिकली पता ही नहीं चलेगा। शहर में शायद आपको पता चल जाए, लेकिन स्लो स्पीड पे शायद आपको पता चल जाए, लेकिन वो आपको हाईवे पे फील, तेज स्पीड पे फील नहीं होगा। अब जो फोर सिलेंडर से बड़े इंजन है, जो कि फाइव सिलेंडर, सिक्स सिलेंडर और एट सिलेंडर, टेन सिलेंडर जो भी इंजन है, इन इंजन्स में क्या होता है कि पावर जो एकदम से आ रही है पावर और फिर जब दूसरी पावर वापस बन रही होती है, इस गैप को इतना ओवरलैप कर दिया जाता है, एक सिलेंडर पावर देके खत्म ही नहीं हुआ इतने में दूसरा देना शुरू हो गया, तो इस गैप को इतना कम, इतना ये पावर गैप इतना ओवरलैप हो जाता है एक दूसरे में, तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगते हैं इंजन, बहुत ही ज्यादा पावर लगती है आपको इन इंजन में, ठीक है। तो बस ये फर्क है। आमतौर पर फोर सिलेंडर इंजन हर जगह यूज हो रहे हैं अभी के वक्त, क्योंकि वो माइलेज और परफॉर्मेंस का बीच का हिस्सा है, जहां पे आपको माइलेज भी मिल रही है, परफॉर्मेंस भी मिल रहा है, ठीक ठाक काम भी चल रहा है, आपकी माइलेज भी निकल रही है। थ्री सिलेंडर इंजन माइलेज ज्यादा निकालते हैं, परफॉर्मेंस उनकी ठीक होती है, फोर सिलेंडर जितनी बढ़िया नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली, लेकिन ठीक होती है। एक चीज आप यहाँ ध्यान रखिए, कभी भी ये चीज पे कंफ्यूज ना हो कि थ्री सिलेंडर मतलब कम पावर, फोर सिलेंडर मतलब ज्यादा पावर। थ्री सिलेंडर इंजन भी ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकता है फोर सिलेंडर के मुकाबले। पावर कई और चीजों पे भी डिपेंड करती है, डिपेंड इस पे भी करती है कि क्यूबिक कैपेसिटी क्या है, कितना इनटेक हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने वॉल्स वगैरह लगे हैं, कई चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपको पता है कि बलेनो का जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है वो उसके 1 लीटर का जो थ्री सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है उससे कम पावर देता है। फोर सिलेंडर है 1.2 है, क्यूबिक कैपेसिटी भी ज्यादा है और उसका जो है सी वो भी ज्यादा है सिलेंडर्स भी, लेकिन फिर भी उसका छोटा इंजन जो है थ्री सिलेंडर वाला जो कि टर्बो चार्ज है तो ज्यादा पावर दे रहा है, क्योंकि वो टर्बो चार्ज है वहां पे अलग टेक्निक यूज की गई है। तो कई चीजों पे डिपेंड करती है पावर। सिंपली ये मत सोचिएगा कि थ्री सिलेंडर कम पावर देगा, फोर सिलेंडर ज्यादा पावर देगा। हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज आप कह सकते हैं कि फोर सिलेंडर मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा ही रिफाइंड होगा थ्री सिलेंडर के मुकाबले। तो थ्री सिलेंडर इंजन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में इसलिए यूज होते हैं ताकि माइलेज ज्यादा मिले और कॉस्ट फैक्टर के कारण यूज किए जाते हैं। बड़ी गाड़ियों में आपको थ्री सिलेंडर इंजन नहीं देखने को मिलेंगे, अगर मिल रहे हैं तो वो टर्बोचार्ज है, वो परफॉर्मेंस के लिए स्पेसिफिकली वहां पे यूज किए गए हैं। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको चाहिए नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का पब्लिश होते ही तो उस बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए सुरक्षित चलिए, सीट बेल्ट पहनिए। धन्यवाद।